हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग थ्रू ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज्यादा ध्यान भी रखें। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और हेल्पफुल भी होगी आप सबके लिए। बदलते वक्त के साथ अनवॉन्टेड हेयर को रिमूव करने के लिए बहुत से तरीके आ गए हैं, पर क्या आज भी हम हर 7 to 8 days पे वही सेम हेयर रिमूवल प्रोसेस से नहीं गुजरते? अगर हेयर रिमूवल क्रीम्स या पाउडर यूज करें तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि स्किन डार्कनिंग, पिंपल्स और पैचेस जैसे साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। और अगर वैक्सिंग या थ्रेडिंग करें तो वो कितना पेनफुल होता है ये तो हम सब जानते हैं। जैसे लगता है कि बाल नहीं, जैसे कोई चक्रव्यूह हो चुका है। तो इस लूप से बाहर आने का सॉल्यूशन क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा तरीका जो आपके अनवांटेड हेयर की ग्रोथ की फ्रिक्वेंसी को स्लो करने में हेल्पफुल रहेगा और धीरे धीरे आपके हेयर के ग्रोथ को परमानेंटली खत्म कर दे। ये है न्यूड का नेचुरल हेयर इनहिबिटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है और काफी अच्छी और अट्रैक्टिव भी है। और इस पे आपको मेंशन सारी चीजें मिल जाती है। न्यूड एक्सपोज योरसेल्फ, नेचुरल हेयर इनहिबिटर, एडवांस फॉर्मूला विद PDR टेक्नोलॉजी फॉर अनवांटेड बॉडी हेयर इनहिबिटर। 80 grams में ये आता है और आप इससे अपने जैसे कि नेक पे, अपर लिप, थ्रेडिंग के पास, लेग पे, हैंड पे या फिर प्राइवेट एरियाज पे भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर वैक्सिंग। ये आपके हेयर रूट्स को टारगेट करता है एंड हेयर ग्रोथ की फ्रिक्वेंसी को ग्रेजुअली स्लो करता है। दिस इज मेड विद नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। GMP एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है और मेड इन इंडिया है। परमानेंट हेयर ग्रोथ रिडक्शन है, नो मोर अनवांटेड बॉडी हेयर, मिनिमाइज नीड फॉर हेयर रिमूवल, स्मूदर स्किन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, पेनलेस एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। ये आप इसके अंदर की पैकेजिंग देख सकते हैं, इस तरीके के पंप बॉटल में आता है जिससे कि क्रीम आप इजिली निकाल करके अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप एक लोशन की तरह यूज करें। आफ्टर वैक्सिंग आप इसको अप्लाई करें दिन में 2 बार ताकि ये ओपन पोर्स में डीपली पेनिट्रेट हो सके। जब आपके हेयर की ग्रोथ होने लगती है तो आप इसको स्टॉप कर दें और अब वापस से जब आप वैक्सिंग करवाते हैं ना, तो वापस से फिर आप इसको एज अ लोशन अप्लाई करें। और अगर आप इसको कंटिन्यू अप्लाई करते हैं 2-3 months तक, तो आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप मंथ में 3-4 बार वैक्सिंग, थ्रेडिंग, अपर लिप करवा रहे हैं तो ये आपको ना 2-3 सेशन में जैसे आप वैक्सिंग करवा रहे हैं तो ये चेंज करने लगेगा। ये आपको इजिली मिल जाएगा कहाँ पे? www.everdin-new.com पर, और ये आपको Amazon और Flipkart पे भी मिल जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि why not laser, तो laser is not effective on thin hair। जैसे कि अगर आपकी हेयर बहुत कम है ना, तो ये वर्क नहीं करेगा और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और साथ ही साथ एक्सपेंसिव तो होता ही है। हर किसी के बजट में नहीं होता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं भी, और आप सबने मुझे सैलून में जाते हुए तो देखा होगा, लेकिन वैक्सिंग में कभी नहीं करवाती हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, मुझे जल्दी से बहुत ज्यादा डर लगता है। थ्रेडिंग तक मैं नहीं बनवाती हूँ जल्दी, मुझे इतना ज्यादा पेन होता है। मेरी थ्रेडिंग अभी भी बड़ी हुई है लेकिन मैं नहीं बनवा रही हूँ, तो जब जाऊंगी कभी कुछ पड़ता है, कुछ ऐसा स्पेशल डे होता है तभी मैं करवाती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर की ग्रोथ स्लो होकर धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा इसको यूज करते हुए, मैंने आप सबको दिखाया भी है कि मैं ये यूज करती हूँ, मेरे घर वाले भी यूज करते हैं, तो ये सही रहता है। धीरे धीरे आपकी हेयर की ग्रोथ कम भी हो जाएगी और धीरे धीरे अनवॉन्टेड हेयर जो है वो खत्म भी हो जाएंगे। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप सभी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आपके बजट में है सैलून जाइए, बार बार वैक्सिंग करवाई, थ्रेडिंग करवाई, इससे तो बेटर है ना कि आप इसको यूज कीजिए एज अ लोशन, जैसे बॉडी लोशन वगैरह यूज करते हैं उसी तरीके से यूज कीजिए और धीरे धीरे आपकी हेयर की ग्रोथ कम होगी और उसके बाद धीरे धीरे परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।